अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज में सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट ला सकूं। फोर्थ एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन हान डिजिटल यूनिट को ठीक करने के लिए स्टेशन के बाहर गए थे और एलिवेटर से हुई दुर्घटना से उनका ऑक्सीजन बैग डैमेज हो गया था, पर फिर भी वो पैनल को बदल देते हैं और चीफ गोंग उन्हें वापस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ लैब में डॉक्टर जियान जब अपना ब्लड उस पानी में मिलाती है तो वो विभाजित होने लगता है, मतलब सूचन और बाकी मेंबर्स की मौत की वजह यह पानी ही था जिसे डॉक्टर सोंग वोंग ने लूनर वाटर का नाम दिया था। वो कमांड सेंटर में आकर सभी को ये बात बताते हैं और डॉक्टर जियान कैप्टन से ये भी कहती है कि स्टेशन में एक डाटा स्टोरेज है, जिसके बाद वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ नीचे एक खुफिया रास्ता गया हुआ था जहाँ ढेर सारे पौधे उगे हुए थे। अब आगे हमें ये सीन दोबारा से दिखाया जाता है जब डॉक्टर जियान अपनी बहन सोंग वोंग के फाइल्स को देख रही थी और उसने जब इनक्रिप्टेड फाइल्स को डिक्रिप्ट किया था तो उसमें उसकी बहन का एक मैसेज था जिसमें लिखा था फाइंड लूना। तो डॉक्टर जियान जब कंप्यूटर में लूना सर्च करती है तो वहाँ ढेर सारी क्लासिफाइड फाइल्स भरी हुई थी। अब डॉक्टर जियान इस बारे में जानना चाहती थी कि लूना कौन है और उसकी बहन उसे ढूंढने के लिए एक इनक्रिप्टेड फाइल क्यों छोड़ जाएगी। तो यहीं से डॉक्टर जियान की खुद की एक प्लानिंग शुरू होती है जहाँ वो स्टेशन के सभी इंपॉर्टेंट गेट्स पर मार्क कर देती है डाटा स्टोरेज और लूना को ढूंढने के लिए। बैक टू द प्रेजेंट, बाकी मेंबर्स भी इतने सारे पौधे देखकर दंग रह गए थे और चांद पर ऐसा कुछ देख पाना किसी भी व्यक्ति को चौंकाने जैसा था। चीफ गोंग और इवन सबसे पहले नीचे जाते हैं जहां वो देखते हैं कि नीचे एक सीक्रेट स्टोरेज है। बाकी लोग जब गौर से देखते हैं तो इस वाले स्टोरेज रूम में सभी सैंपल सही सलामत थे और वो सभी हरे रंग के थे। तभी डॉक्टर होंग की नज़र नीचे पड़े एक सैंपल पर जाती है जो टूटा हुआ था और उससे निकले लूनर वाटर से ही इतने सारे पौधे उग गए थे। कैप्टन हान अब बिल्कुल भी देर नहीं करते और सभी को सैंपल कलेक्ट करने को कहते हैं। इसी दौरान चीफ गोंग, इवन और किम सुन इस एरिया की छानबीन करने चले जाते हैं। डॉक्टर जियान और तेसुक बड़ी ही सावधानी से 6 लूनर वाटर कैप्सूल्स को एक बॉक्स में रख देते हैं और बाहर इवन भी दूसरे स्टोरेज से एक सैंपल को ले आता है। तभी उन्हें अचानक उन लताओं के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है जिसे देखने के बाद वो डरकर भागने लगते हैं। जब कैप्टन हान देखता है कि बाहर से क्या आवाजें आ रही है तभी कुछ बहुत ही तेजी से इवन पर हमला कर देता है। वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो वो एक छोटी सी लड़की थी जिसने लैब कोट पहना हुआ था और उसने इवन का वो हाथ उखाड़ दिया था जिसमें उसने कैप्सूल पकड़ा हुआ था। किम सुन मौका देखकर उस पर गोली चलाने लगता है जिससे कि उसके हाथ से कैप्सूल जमीन पर गिर जाती है और वो लड़की बहुत ही तेजी से दीवारों पर दौड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद कैप्टन हान और चीफ गोंग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो वो छोटी लड़की बचते बचाते सीढ़ियों के ऊपर की ओर जाती है और ईटू को एक जोर का टक्कर मारकर वहां से भाग निकलती है। नीचे गिर जाने की वजह से वो कैप्सूल टूट गया था और लूनर वाटर इवन के ब्लड के साथ मिलकर विभाजित होना शुरू हो गया था, जिसे देखकर वो सभी वहां से एक एक करके निकलने लगते हैं। और जब तेसुक स्टोरेज में रखे सैंपल्स को लेने जाता है तो वहां तापमान में कुछ गड़बड़ी के कारण सभी सैंपल्स लाल हो जाते हैं। वो सभी जल्दी से सैंपल को लेकर ऊपर जाते हैं और नीचे जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। इतनी जोर के टक्कर से ईटू के लंग्स में खून जमा हो गया था जिसे डॉक्टर होंग निकाल देती है, पर ईटू को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी और वहाँ उतने ब्लड के पाउचेस भी नहीं थे कि ईटू को होश में लाया जा सके। तो तेसुक कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वो खून दे सकता है, जिसके बाद डॉक्टर होंग तेसु को वहीं बिठाकर उसका ब्लड ईटू को देने लगती है और डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग बाहर आ जाते हैं। वो सभी इस बारे में सोचकर डरे हुए थे जो उन्होंने अभी अभी देखा था। तभी डॉक्टर जियान कहती है कि वो छोटी लड़की उन्हें उन्हीं जगहों पर दिखाई दे रही है जहाँ लूनर वाटर है, यानी कि उसने उन पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे लूनर वाटर चाहिए और स्टोरेज 3 में गीसू को भी उसी ने मारा होगा। इसका मतलब ये है कि घुसबैठिया वो नहीं बल्कि उस छोटी लड़की की नजर में वो लोग हैं। कैप्टन हान डायरेक्टर 6 को एक सैंपल दिखाता है कि उन्होंने इसे कलेक्ट कर लिया है, तो वो जल्द से जल्द एक रेस्क्यू शिप यहाँ भेज दे। और जब डायरेक्टर 6 घुसबैठिया के बारे में पूछती है तो कैप्टन हान उन्हें बताता है कि वो एक छोटी लड़की है जिसने लैब कोट पहना हुआ है। कैप्टन हान डायरेक्टर 6 से ये भी कहता है कि वो उसे सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं जिस वजह से एक एक करके उसके क्रू मेंबर्स की जान जा रही है। लेकिन डायरेक्टर 6 जब उस छोटी लड़की के बारे में सुनती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और कैप्टन हान से कहती है कि उनके लिए उस छोटी लड़की की पहचान करना जरूरी नहीं है बल्कि सैंपल को सेफ रखना जरूरी है। और वो ये कहकर वीडियो डिस्कनेक्ट कर देती है कि वो जल्द से जल्द एक रेस्क्यू शिप भेज देंगे। और जब डायरेक्टर 6 वीडियो एंड कर देती है और अपनी फोटो गैलरी खोलकर देखती है
तो हमें स्क्रीन पर वही छोटी लड़की उनके साथ खड़ी दिखती है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर छे को शायद ये बात पता है कि वो छोटी लड़की कौन है। उसके बाद जब कैप्टन हान बाहर आते हैं तो डॉक्टर जियान उससे ये कहती है कि उसे एक बार और डाटा स्टोरेज में जाना है ताकि वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को डिवाइस में कॉपी कर सके, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि लूनर वाटर के विभाजन को कैसे रोका जाए या इससे संक्रमित होने से कैसे बचें। पर कैप्टन हान उसे वहां अकेले जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ डॉक्टर होंग को ले जाने को कहते हैं। और ये कहकर कैप्टन हान बाकी मेंबर्स के साथ उस छोटी लड़की को पकड़ने के लिए चला जाता है। तेसुक अभी भी ईटू को अपना ब्लड दे रहा था और डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग डाटा स्टोरेज में आ गए थे और सारी फाइल्स को ब्रिक करना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान लैब में तेसुक अपने पॉकेट से वही सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर निकालता है और मैसेज भेजने लगता है कि सैंपल कलेक्ट हो गया है। और यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि तेसुक भी एक जासूस है जो यहाँ केवल लूनर वाटर के लिए आया है। डॉक्टर होंग जब डॉक्टर जियान से उसकी बहन के बारे में पूछती है कि वो कैसी थी, तो डॉक्टर जियान जवाब देती है कि उसे तो ये बात पता भी नहीं थी कि वो यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। उसे इस बारे में तब पता चला जब 5 साल पहले यहाँ वो दुर्घटना घट गई। डॉक्टर सोंग वोंग ने दुर्घटना से पहले डॉक्टर जियान को फोन भी किया था, पर उस समय उसे अकेले छोड़कर चले जाने के दुख में उसने उसका फोन नहीं उठाया। और डॉक्टर जियान कहती है कि अगर वो उसका फोन उठा भी लेती तो उससे क्या ही बदल जाता। तभी डाटा ब्रिक कम्प्लीट हो जाता है, पर वहाँ एक भी फाइल नहीं थी। सारा हार्ड ड्राइव सारे फाइल्स डिलीट कर दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने जानबूझकर सारा डाटा डिलीट कर दिया था ताकि किसी को भी लूनर वाटर के रिसर्च के बारे में पता ना चले। लैब में तेसु किसी को यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि तभी उसके डिवाइस में एक मैसेज आता है कि वो सैंपल को ले ले और बाकी सभी मेंबर्स को मार डाले, जिसके बाद वो वहां से उठ जाता है और अपनी गन लोड करने लगता है और फ्रीजर से लूनर वाटर को बॉक्स में रखने लगता है। उसी समय वहां डॉक्टर जियान और डॉक्टर होंग आ जाते हैं और तेसुक को लूनर वाटर को हाथ में पकड़ देकर उस पर थोड़ा डाउट करने लगते हैं। तेसुक सिचुएशन को संभालते हुए उनसे कहता है कि कैप्टन ने उन सभी को कमांड सेंटर में मिलने के लिए बुलाया है और सैंपल सेफ रहे, इसलिए वो उसे अपने साथ ही ले जा रहा है। पर डॉक्टर जियान को ये बात पता थी कि कैप्टन हान ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, तो वो तेसु को सैंपल वापस रख देने को कहती है। अब तेसु के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और अपनी गन निकाल ही रहा होता है कि उसी समय वहाँ वो छोटी लड़की आ जाती है। वो जैसे ही गेट के अंदर आती है, तेसुक उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, पर वो तेजी से दौड़कर उस पर हमला कर देती है। उसी समय वहाँ कैप्टन हान और बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और डॉक्टर जियान को ये बात पता थी कि वो छोटी लड़की बस लूनर वाटर के लिए यहाँ आई है, इसलिए वो धीरे से उस कैप्सूल को उठाती है और टेबल पर रख देती है। वो छोटी लड़की भी उसे कुछ नहीं करती और वो बस डॉक्टर जियान की ओर देखे जा रही थी। तभी वो जब अपनी आंखें झपकाती है तो वो बिल्कुल बिल्ली जैसी थी और ये देखकर डॉक्टर जियान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट्स में अवश्य दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज में सुधार कर सकूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट ला सकूँ।